हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नियन किचन। आज हम बनाने वाले हैं हरी मिर्च का अचार। इसे आप 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं और ये खाने का स्वाद बहुत ही बढ़ा देता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अचार के लिए हमने यहाँ 250 ग्राम हरी मिर्च ली है। ये कम तीखी वाली हरी मिर्च है, आप चाहे तो तीखी वाली हरी मिर्चों का भी अचार बना सकते हैं। और इन्हें हमने अच्छे से धोकर पोंछकर सुखा लिया है। मिर्च पर एक भी बूंद पानी नहीं होना चाहिए, ये मिर्चियाँ बिल्कुल सूखी होना चाहिए। और अब हम इसके ऊपर का डंठल निकाल लेंगे। तो हमने हरी मिर्चियों के डंठल निकाल लिए हैं और अब हमें इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और अब हम ले रहे हैं एक बाउल। हम जिस भी बर्तन में अचार बना रहे हैं वो बर्तन एकदम सूखा होना चाहिए। और मिर्चियों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार इन्हें छोटे या बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं। अगर आप तीखी वाली मिर्चियों का अचार बना रहे हैं तो आप उसे कैंची से या फिर ग्लव्स पहन कर काटें। तो हमने सारी मिर्चियाँ काट ली है और अब कर लेते हैं आगे की प्रोसेस। तो हमने रख दी है गैस पर एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देते हैं 2 टेबलस्पून बड़ी सौंफ और 1 टेबलस्पून मेथी दाना। इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसे रोस्ट करके अचार में डालने से अचार का टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये भून चुका है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हमें ठंडा होने देना है। और अब हम वापस से गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। सरसों के तेल से अचार अच्छा बनता है, लेकिन अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो आप डेली जो सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं वो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एक और आधी कटोरी सरसों का तेल लिया है और इसमें से जब तक धुआं नहीं निकलने लग जाता तब तक हमें इसे गर्म कर लेना है। इससे तेल का कसीला फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा। तो तेल में से धुआं निकल रहा है, अब हम कर देते हैं गैस को बंद और इसे निकाल लेते हैं। और तेल को हमें ठंडा होने देना है। और इधर हमारे मेथी दाना और सौंफ भी ठंडा हो गया है, इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। इसे हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस दरदरा सा पीसना है। तो हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है और इसे अब हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में। और हमने लिए हैं कुछ मसाले। तो मसालों में हमने राई की दाल ली है 3 टेबलस्पून, ये किसी भी किराना शॉप पे इजीली मिल जाती है। और ली है 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, इससे अचार में अच्छा सा कलर आएगा। और ली है 1/2 टेबलस्पून हल्दी और 1.5 टेबलस्पून नमक। और ली है हींग। तो इधर तेल भी ठंडा हो चुका है और चलिए अब हम मसाले मिक्स करते हैं। तो सभी मसाले हम मिर्च में डाल देते हैं। तो सारे मसाले डाल दिए हैं और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। तो हमने तेल डाल दिया है और थोड़ा सा तेल बचा लिया है, इसे हम बाद में डालेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून विनेगर। इससे अचार में अच्छी सी खटास आएगी और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और इसमें डाल देते हैं 1 नींबू का रस, जिससे इसमें खटास तो आएगी ही, साथ ही साथ नींबू का फ्लेवर भी आएगा। तो नींबू का रस हमने निकाल दिया है और इसमें डाल देते हैं और अच्छे से कर देते हैं इसे इसमें मिक्स।
तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिर्च का अचार बनकर तैयार है। इस अचार को हमें धूप में रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे तेल से बनाया है। और अब हमने लिया है ऐसा एक प्लास्टिक का कंटेनर। ये कंटेनर बिल्कुल साफ और सूखा हुआ है और इसमें अब हम डाल देते हैं मिर्ची का अचार। तो सारा अचार हमने कंटेनर में भर दिया है और इसे अब हम थोड़ा सा दबा देते हैं। और जो हमने थोड़ा सा तेल बचा लिया था वो अब इसके ऊपर डाल देते हैं। अचार तेल में डूबा रहता है तो उससे जल्दी खराब नहीं होता। अब कंटेनर का ढक्कन लगा देते हैं। इस अचार को आप 6 महीने तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। आप चाहे तो इस अचार को 2 से 3 दिन में भी खा सकते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद ये अचार अच्छे से गल जाता है और गलने के बाद ये अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।